हेलो दोस्तों, आप लोग का हिस्ट्री टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोग का हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जो मैं बताने वाला। अगर ये पूरा फॉलो किए तो 100% आप लोग को बोलता हूँ 40 out of 40 आ जाएगा 100% बोर्ड एग्जाम में। किस तरीके से, सबसे पहले आप लोग को कुछ पॉइंट बताता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो हिस्ट्री का है और पॉलिटिकल साइंस दोनों का, उसको आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है। क्या चीज़, सबसे पहले आप लोग को MCQs ध्यान से सुनना है। MCQs आप लोग को 3 नंबर का आने वाला है। पूरा टोटल MCQs आप लोग कंप्लीट करना है। 21 से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। उसका आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर ये भी 3 नंबर का आने वाला। उसके बाद आप लोग को कंसेप्ट मैप करके रहेगा, वो 4 नंबर के लिए आने वाला। उसके बाद एक पैराग्राफ आएगा जो आप लोग को 4 नंबर के लिए रहेगा। इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ आप लोग का 14 मार्क आप लोग का क्लियर हो जाता है इस चीज़ से। और आने वाला आप लोग का हिस्ट्री जो है 28 नंबर, और 14 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ वो चीज़ कर लिए तो आप लोग का पूरा 28 नंबर इसे हिस्ट्री में क्लियर हो जाए। कि आप लोग को ये चीज़ MCQs आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर प्लस कंप्लीट द कंसेप्ट मैप और रीड पैराग्राफ, जितना पैराग्राफ के थ्रू दिया रहेगा क्वेश्चन उसको भी आप लोग को करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में क्या करना उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखोगे पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले MCQs जितना दिया गया, उसके बाद कंप्लीट द मैप, जितना आप लोग एक्टिविटी के माध्यम से दिया गया उसको कंप्लीट करोगे तो आप लोग को यहाँ पे हो जाता है टोटल 4 मार्क। इस तरीके से अगर आप लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो मैं आप लोग के लिए 18 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता। अब मैं बताता हूँ, आज मैं आप लोग को पीछे से स्टार्ट करूँगा, आप लोग को पॉलिटिकल साइंस से पीछे 5वें लेसन से। इसके लिए बोल रहा हूँ आप लोग बुक और अच्छी तरीके से पेंसिल लेकर अच्छी तरीके से स्टिक आउट करते चलना, क्योंकि ये सब वेरी इंपॉर्टेंस रहेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जो 99 पे दिया गया है, आप लोगों को पेज नंबर 99 पे, मैं पेज नंबर आप लोग के लिए बता रहा हूँ, पेज नंबर 99 पे आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स गिव रीजन भी देना है तो उसमें का दूसरा करना है। ध्यान से सुना, जल्दी आप लोग टिक आउट करते चले जाना। पेज नंबर 99 पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है, और यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर आप लोग को जो तीसरा है उसमें का दूसरा करना, करप्शन तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर तीसरे का शॉर्ट नोट का आप लोग का दूसरा करना है, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो चौथा है चौथे का पहला करना है और तीसरा क्वेश्चन करना। ये वेरी इंपॉर्टेंस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जितना MCQs और ये कंसेप्ट मैप है उसको आप लोग को पूरा करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब उसके बाद आप लोग आ जाओ इसके ऊपर, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। लेसन वाइज आप लोग को बता रहा हूँ, पूरा अगर उतना करके रख लिए तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये 5वें लेसन से बस आप लोग को वही करना, चैलेंज फेसेट ऑफ द इंडिया डेमोक्रेसी। इस तरीके से 5वां लेसन अब क्लियर होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे 4वें लेसन से क्या करना, 4वें लेसन में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंस का बात किया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दूसरा है क्वेश्चन दूसरे में दोनों करना आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया भी है पेपर में, तो इसको करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप लोग का दूसरा और तीसरा करना है, और उसके क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला और तीसरा करना, पहला और तीसरा करना। ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन चौथे का पहला और तीसरा ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग ये सब करके ही रख लेना। इसमें क्या करना है आप लोग को, ए लेसन से जितना आप लोग को देखो, सबसे पहले आप लोग को बता दूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ अंदर से करना, सब कुछ इस तरीके से मैं पीछे से इसके लगा रहा हूँ क्योंकि आगे से बहुत बार आप लोग पढ़े भी हो, इसके लिए बार बार आप लोगों से आगे से नहीं पीछे से भी स्टार्ट करके आप लोग MCQs पहले स्टार्ट करो जहाँ से इम्पोर्टेंट 5वें लेसन से, और आप लोगों को टाइमिंग किस तरीके से मैनेज करके किस तरीके से स्टडी किया जाए वो भी वीडियो बन चुका, वो भी आप लोग देख के टाइमिंग के थ्रू अगर पढ़ोगे तो पूरा लेसन आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। अब उसके बाद और नीचे आओगे तो आप लोगों का पूरा जो है पूरा लेसन मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये चौथे में से बस एक्सरसाइज से मैं आप लोग को दिया कि जो करना था आप लोग को। अब इससे आप लोगों को जो दिया गया है आप लोगों को पेज नंबर तीसरे लेसन से आप लोगों को पेज नंबर 90 पे दिया गया है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसमें का पहला आप लोगों को ट्रू और फॉल्स का रीजन के साथ लिखना है, 2 नंबर के लिए आप आता है पेपर में, पहला तीसरा और चौथा करना है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप लोगों को दोनों करना है, और क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला करना है। ध्यान से सुना, क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला करना है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंस है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया और इस बार भी आने के चांसेस हैं। इस लेसन में से आप लोगों को क्या करना है, सबसे ज़्यादा सबका सन असम गण परिषद का अच्छी तरीके, जितना जम्मू एंड कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से हुआ था सब कुछ आप लोगों को क्या करना है, इनके सिंबल किस तरीके से, उनके नाम क्या हैं, वो सब आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करके रखना है। इस चैप्टर से जितना दिया गया है, जितना सिंबल बना के दिया गया सब कुछ अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना, सिंबल और कब वो चीज़ कब पार्टी बनी
कब भारतीय समाज पार्टी कब बनी, 1984 में बनी, उसको अच्छी तरीके सब को अच्छी तरीके से कब बना पार्टी और कब हुआ और उसका क्या चिन्ह है, चिन्ह को क्या डिनोट करता है, वो चीज़ आप लोग को ये देखो पंजा ये क्या चीज़ है, नेशनल कांग्रेस का है और ये कब बना है यहाँ पे देखो दिया रहेगा 1885 में। सबसे ज़्यादा ये चीज़ आप लोग को पेपर में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ आप लोग को सबका इसका कांग्रेस सब जो है सब पे क्या करना, आप लोग को अच्छी तरीके से याद करके रखना कब पार्टी बनी और उसमें कौन सा चिन्ह है उसको, और जो क्वेश्चन बताया उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर दूसरा 81 पेज नंबर जो है इसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसको भरना है अच्छे तरीके से। उसके बाद इसमें आप लोग को अगर ए भी आप लोग करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला दूसरा ए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वोटिंग मशीन उसके बारे में आप लोग को बताना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग जो दिया गया क्वेश्चन पाँचवें का पहला और तीसरा आप लोग को क्वेश्चन करना, पहला और तीसरा, और इसमें से आप लोग ट्रू फॉल्स का पहला कर लेते हो तो भी चलता है पहला वाला। उसके बाद आप लोग आ जाओ इधर, अब इसे एक शॉर्ट नोट यहाँ पे दिया गया है, इसको शॉर्ट नोट में अच्छी तरीके से करके रखना। और ईवीएम मशीन यहाँ पे देखो दिया गया है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ वो चीज़ है। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो जो ए वाला अच्छी तरीके से करके रखना, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन किस तरीके से कौन सा प्रोसेस होता है इलेक्शन में उसको अच्छी तरीके से करके ही रख लेना। अब उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे पहला लेसन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 74 पेज नंबर पे उसमें से क्या करना है। 74 पेज नंबर से आप लोग को क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और क्वेश्चन नंबर इसे देखो सबसे ए वाला भी आप लोग को करना है, ध्यान से देखना पहला वाला देख रहे हो इसमें क्या दिया गया है आप लोग को, जो जो बता रहा हूँ उसको भी आप लोग को करके रखना। क्वेश्चन पाँचवें का पहला दूसरा तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बता रहा हूँ आप लोग को ए भी करके रखना है। और उसके बाद आप लोग और नीचे आओगे तो क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा करना है, ध्यान से सुनना ये सब अच्छी तरीके से स्टिकआउट कर लेना। 73 पे अब मैं आता हूँ हिस्ट्री में, 73 ए पूरा आप लोग का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बताता हूँ आप लोग को क्या करना है, ये सब 20 से कुछ भी नहीं करना है, जितना मैं आप लोग को बोला हूँ उतना आप लोग कर लोगे तो आप लोग का पूरा पूरा नंबर आने के चांसेस हो जाए। पहला पूरा खत्म हो जाता है पॉलिटिकल साइंस। अब मैं बताता हूँ आप लोग का हिस्ट्री का, हिस्ट्री में 9 लेसन है, 9वें लेसन से स्टार्ट करते हैं अपने 9वां लेसन। 9वें लेसन से क्या करूँ, 9वें लेसन से आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पाँचवा है एक्टिविटी के माध्यम से दिया उसको करना है, क्वेश्चन चौथे का दूसरा करना है और क्वेश्चन नंबर तीसरे का शॉर्ट नोट में पहला और दूसरा करना, पहला और दूसरा अच्छी तरीके से करके रखना, ये भी लेसन आप लोग को कंप्लीट हो जाता है। जो बता रहा हूँ उतना आप लोग कर लिए ना तो आप लोग का पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 100% आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। इसी तरीके से आप लोग पॉलिटिकल आप लोग का ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे इस तरीके से पूरा दिया गया, बट आप लोग को क्या पढ़ना था वो चीज़ मैं बता, पूरा लेसन पढ़ने बैठोगे तो होएगा नहीं, बट इस तरीके से पढ़ोगे हो जाएगा। अब पेज नंबर 58 पे दिया गया क्या चीज़ किया जाए 58 से, तो सबसे पहले 58 से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, क्वेश्चन तीसरे का पहला और तीसरा करना है, क्वेश्चन चौथे का जिसके अंदर 25 नहीं है, ध्यान से सुना, जिसके बुक में नए वाले बुक में 25-30 नहीं वर्ड है वो चीज़ क्या करे, सबसे पहले आप लोगों का 21 जो पिछला रहेगा उसमें से याद कर सकता है, याद कर सकता है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसके लिए बोल रहा हूँ 25-30 ये भी आप लोग क्वेश्चन नंबर चौथा का करके रखो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक दिया गया है क्वेश्चन नंबर पाँचवा आप लोग करना है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का चौथे का दूसरा भी आप लोग को करके रखना है। उसके बाद आप लोग और आगे आओगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या चीज़ करोगे, 55-6 पे कुछ नहीं, 55 पे कुछ नहीं है, और उसके बाद आप लोग को जो जो बता रहा हूँ बस उतना करो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और शॉर्ट नोट का बस आप लोग को क्या करना है, शॉर्ट नोट में सिर्फ 4 पॉइंट कर लोगे तो भी चलेगा, 4 पॉइंट कर लिए तो भी चलेगा। टाइस अदर टूरिस्ट में याद कर डालना टाइस कितने होते हैं, और उसके बाद आप लोग को जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से 8वां लेसन इस तरीके से आप लोग को कंप्लीट हो जाता है। अब आता हूँ 7वें लेसन, 7वें लेसन से क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट नोट आप लोग को दोनों करना है, टॉय ऑफ द फेस्टिवल और स्पोर्ट ऑफ द मूवीज पूरा करना है, दोनों बहुत बार आप लोगों को पेपर में भी देखने के लिए मिला रहेगा। अब उसे क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का तीसरा है
तीसरे में से आप लोग को दूसरा क्वेश्चन करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन और पांचवे का आप लोग को क्या करना है, पहला वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके रखना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि उसमें एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडोर और आउटडोर गेम को अच्छी तरीके से करके रखना है। तो जो जो बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग कर लिए तो 100% आप लोग आउट ऑफ भी ला सकते हो। अब उसके बाद आप लोग को बताता हूँ क्या चीज़ है अगला लेसन, जो आप लोग का छठवा लेसन। छठवें लेसन से मैं पूरा बताऊँ, कंप्लीट आप लोग को करना है एक्टिविटी के माध्यम से जो कुछ दिया गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे आप लोग को व्हाट इज़ द पावड़ा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है पावड़ा, इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला करना है, और क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला और तीसरा करना, पहला और तीसरा क्वेश्चन करके ही रखना है अच्छी तरीके से। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दिया गया लेसन नंबर आप लोगों का छठवां है। लेसन नंबर छठवें से पांचवे लेसन में क्या चीज़ है, पांचवे लेसन से मोस्ट इम्पॉर्टेंस क्या है उसको आप लोग को बताता हूँ। एक कंसेप्ट आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से करना, और ये पाँच नंबर चार नंबर में एक आता है आप लोग को पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, इसको अच्छी तरीके से पैराग्राफ अच्छी तरीके से करके ही जाना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे आप लोग को दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, तीसरे में पहला और तीसरा अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद क्वेश्चन दूसरे में तीसरा अच्छी तरीके से करके रखना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना। अब लेसन नंबर चौथा आ जाता है, लेसन नंबर चौथे में आप लोग को क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीनों करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवें का आप लोग का पहला और दूसरा करना है, और क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्वेश्चन करना है। ध्यान से सुन लेना अच्छी तरीके से, सब करके ही जाना, क्योंकि आप लोग का टाइम बनाए किस तरीके से पढ़ना है वो भी चीज़ आप लोग देखे हो ना, तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा क्लियर आप लोग कर सकते, जितना इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ उतना करने के करके। अब उसके बाद और आगे आओगे तो आप लोग यहाँ पे दिया गया तीसरा लेसन, तीसरे लेसन से आप लोग को क्वेश्चन नंबर दूसरा दोनों करना है, और क्वेश्चन नंबर छठवें का आप लोग का पहला क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन नंबर आप लोग को यहाँ पांचवे का दूसरा करना है। और इसमें कंप्लीट द चार्ट मैं आप लोग को पहले से बता के रखा हूँ, सब करना है। अब इस तरीके से तीसरा भी खत्म हो जाता है। अब तीसरे के बाद आप लोग को चौथा आता है दूसरा लेसन। अब इसमें से क्वेश्चन चौथे का पहला और दूसरा करना है, और क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा करना है, और क्वेश्चन नंबर छठवें का दूसरा और तीसरा अच्छे तरीके से करके रखना है। अच्छे तरीके से अगर देखे रहोगे तभी आप लोग का पूरा टिकआउट हो पाए रहेगा, नहीं तो फिर से आप लोग को देखना पड़ेगा। आराम आराम से देख के पूरा अच्छे तरीके से टिकआउट कर लेना, क्योंकि पेपर में इसके अंदर से ही आएगा 100% मैं बोलता हूँ, इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब इससे क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है दूसरा का पहला दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, और क्वेश्चन नंबर छठवें का आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन छठवें का आप लोग का पहला तीसरा चौथा करना है, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग का पाँचवा आप लोग को करना है। और इससे क्वेश्चन नंबर एक आता है यहाँ पे देखो दिया गया है ए वाला पहला वाला क्वेश्चन नंबर पहला चौथे का पहला हिस्टोग्राफी दिया गया, इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से करके रखना है। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा जो लेसन होता है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे एक वोल्टायर करके है उसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो लेसन था वो मैं कंप्लीट कर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहले आप लोग को फिर से एक बार बता दो क्या चीज़ आप लोग को कंप्लीट करना है। सबसे पहले MCQs आप लोग को पूरा करना है, पूरा आप लोग को 21 से कहीं से भी मिले पूरा कंप्लीट करना है। उसके आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर आप लोग कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोग कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट को मैप को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को रीड पैराग्राफ करना है, और रेडियो वाला आप लोग को बोला हूँ, बार बार बोल रहा हूँ रेडियो वाला, और जितना इस तरीके से दिया उसको कंप्लीट करना। इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे 14 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का MCQs करना है, और कंप्लीट द चार्ट मैप उसको अच्छे तरीके से करोगे 4 नंबर। अब इस तरीके से मिलाओगे तो 18 नंबर हो जाए, 40 में से 18 नंबर उस तरीके से आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। बस क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में।